घर का कोना कोना सज चुका था। तिवारी जी की बड़ी बेटी रोशनी की शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। रोशनी की बुआ, मामी, चाची सब बहुत उमंग से रोशनी बिटिया के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। उसके गहने, कपड़े, मेकअप का सामान सब कुछ सूटकेस में रख दिया गया था। बस अब एक दो दिन में रोशनी को लेने उसका राजकुमार आने वाला था। रोशनी अपने कमरे में अपनी अलमारी से अपने सारे सर्टिफिकेट और डिग्रियों को एक फाइल में रख रही थी। तभी चाची कमरे में आ गई। चाची ने कहा, रोशनी बिटिया, यह सब बाद में करना। यह देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। यह सुंदर सा हार तेरे लिए, तेरे चाचा और मेरी तरफ से। मुझे मालूम है तू भारी गहने तो नहीं पहनेगी, इसीलिए यह हल्का सा नाजुक सा हार, शायद तुझे अच्छा लगे। कैसा है पता तो ज़रा। रोशनी चाची के गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, भीगी आंखों से। चाची से कहने लगी, हाँ चाची, यह बहुत सुंदर है, मगर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। चाची ने रोशनी की आंखों से आंसू को पूछते हुए कहा, हाँ हाँ, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही है, और यह हमारा प्यार जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रोशनी बहुत खुश थी, लेकिन अपने परिवार को छोड़कर जाना इतना आसान तो नहीं था। कमरे में अब बुआ और मामी भी आ चुकी थी। उन्होंने रोशनी से कहा, अब ससुराल में जाओगी तो बिंदी लगा कर रहना, और इतने सारे जो ड्रेस खरीदे हैं रोज़ नए नए पहनना, साज सिंगार करके सुंदर तैयार होकर रहना। यह नहीं कि बस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, घर के भी कामों में हाथ बटाना। साड़ी तो अब कोई नहीं पहनता, लेकिन तू सुंदर सज धज कर ही रहना। बड़े लोगों के पांव छूकर ही घर से निकलना, जल्दी उठना, वहां शिकायत का मौका मत देना। रोशनी की बुआ की बात से सभी सहमत थी। सभी ने अपनी सहमति दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, नई नवेली दुल्हन सुंदर सजी हुई, तैयार श्रृंगार की हुई तो अच्छी लगती है। रोशनी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। रोशनी ने अपने सर्टिफिकेट को सूटकेस में रखते हुए बुआ से पूछा, बुआ, इतना कुछ कह रही हो आप मुझे, और मैं आपकी सारी बातें भी मानूंगी। मैं अपनी ससुराल में सुंदर सज कर तैयार होकर रहूंगी, घर के कामों में हाथ भी बटाऊंगी, जोर से बात नहीं करूंगी, ना ही छोटी छोटी बातों में गुस्सा करूंगी। बस मुझे एक बात बताओ, आप सब ने मुझे ससुराल में कैसे रहना है ये तो सिखा दिया, मगर मेरी शादी जहाँ हो रही है वहाँ पर इस तरह की कोई बात हो रही होगी कि पराए घर की लड़की अपना घर परिवार रिश्ते नाते सब छोड़कर आ रही है, तो उसे हमें इस घर में एक अनुकूल वातावरण देना चाहिए। या नई बहू को क्या पसंद है क्या नहीं, इसके बारे में क्या वहाँ कोई सोच रहा होगा? क्या मेरे होने वाली सास ने अपने बेटे यानी कि संजीव से कहा होगा कि रोशनी की पसंद नापसंद को जाने? नई बहू को सम्मान देने की बात भी उसके मन में आई होगी? बुआ, हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, जब लड़की विदा होकर ससुराल जाती है तो हजारों हिदायतें दी जाती हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमें वहाँ एडजस्ट करना है। काश कभी लड़के वाले भी सोच पाते कि जो लड़की यहाँ आ रही है उसके बारे में भी सोचा जाए, उसके लिए भी घर में खास जगह बनाई जाए। क्या कभी ऐसा होगा जो दादी के साथ हुआ वो माँ के समय, और अब मेरे साथ भी, क्या ऐसा ही होगा? सभी चुप हो गए, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था। रोशनी के ये सवाल कभी ना कभी सभी के मन में आए थे। तभी रोशनी की सास, जो रोशनी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई थी, वहाँ आ गई। उन्होंने रोशनी की सारी बातें सुनी और रोशनी से कहा, बहुत बड़ी बात कही तुमने रोशनी, हम औरतें हमेशा से ही सिर्फ यही पाठ सीख रही हैं कि हमें एडजस्ट करना है, लेकिन यह सोच तो बदलनी पड़ेगी। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम मायके से विदा होकर जब ससुराल आओ तो वहाँ ससुराल नहीं बल्कि वह तुम्हारा दूसरा घर बन सके, जहाँ तुम खुलकर जी सको, अपने मन की बात कह सको, कर सको। हम बीते कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम आज को तो बेहतर रूप दे ही सकते हैं।
वहां पर खड़े सभी लोगों ने रत्ना जी के इन शब्दों पर उनकी बहुत तारीफ की। रोशनी की माँ की आंखों में आंसू आ गए और रोशनी अपनी सास के गले लग गई। दोस्तों, हो सकता है यह कहानी आप में से कई लोगों को असंभव लगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी सास कौन से ग्रह से आती है, लेकिन सच तो यह है कि हम में से कई महिलाएं आज या आने वाले समय में जरूर सास बनेंगी। तो क्या हम ऐसे ही नहीं सोच सकते? क्या जरूरी है कि हमारे साथ जो हुआ वो आगे भी होता रहे? जरूर सोचिएगा, समाज हम सब की सोच से बदलेगा। कहानी को समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।